हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम हाई बीपी के बारे में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करते हैं और देखते हैं कि हाई बीपी को कैसे मैनेज किया जाए और इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवा बहुत ही अच्छा काम करती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हाई बीपी लगभग हर घर में एक आध लोग इस तरीके के मरीज मिल जाते हैं हाई बीपी के। तो हाई बीपी जो है अमूमन ये टेंशन से हो जाती है और खान पान में उनके डिस्टरबेंस से हो जाती है। तो लाइफ में आदमी जो है टेंशन कम से कम रखे और खान पान में थोड़ा से चेंज करे, अपना रूटीन चेंज करे, तो हाई बीपी से बचा जा सकता है। तो हाई बीपी नॉर्मल रहेगी तो हमारी पूरी जो है लाइफ स्टाइल बिल्कुल, मन भी सही रहेगा और जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी सही रहेगा। तो हम देखते हैं कि बीपी क्या होती है, यानी बीपी जो है हार्ट द्वारा जब ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता रहता है तो उसके द्वारा जो प्रेशर होता है उसको जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को सप्लाई करने के लिए पूरी बॉडी में, क्योंकि जो है ब्लड गाढ़ा हो जाता है कभी कभी, तो ब्लड को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है हार्ट को, ब्लड सप्लाई करने के लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा प्रेशर अक्सर अगर बना रहेगा तो ब्लड हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा तेज वर्क करना पड़ेगा, और इस तरीके से अगर ज़्यादा ज़्यादा काम किसी पे करना किसी को करना पड़े या ज़्यादा लोड किसी को ऊपर रख दिया जाएगा तो वो धीरे धीरे करके एक दिन वो बैठ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी बीपी को मेंटेन रखना, नॉर्मल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि बीपी खान पान से कैसे सुधर सकती है। तो खान पान में अगर हम देखें तो बीपी नंबर एक, तो इसमें जो कॉमन साल्ट होती है, साधारण सी नमक जो खाई जाती है, इससे भी बीपी बढ़ जाती है। तो ये नमक जो साधारण नमक है इसके जगह पे सेंधा नमक यूज़ किया जाए और खाने में चीनी के जगह पे गुड़ यूज़ किया जाए। चीनी भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है बीपी के लिए, चीनी भी, और चावल की जगह पे जो है वो भुजिया चावल जो होता है वो यूज़ किया जाए तो उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और खान पान में रिफाइंड ऑयल भी नहीं यूज़ किया जाए बीपी के मरीज के लिए, और फ्रूट है या अनाज वाली चीज ही खाया जाए, पैकेट वाली चीज या जंक फूड जो होते हैं, जैसे जो पैकेट में पैक करके रख दिया जाता है काफी दिन तक चलता रहता है, इस तरीके के जंक फूड ना लिया जाए, बेकरी के आइटम और जंक फूड, यानी ये सब डेड फूड होते हैं, जंक फूड जो है डेड फूड होते हैं, तो डेड फूड को ना लिया जाए। डेड फूड को लेने से पेट साफ नहीं रहेगा, पेट साफ नहीं रहेगा तो ब्लड फिर डिफेक्टेड होता रहेगा, यानी ब्लड डिफेक्टेड होने के मतलब फिर वो ब्लड जो है गाढ़ा होता रहेगा, और जब ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए। तो जब ब्लड हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो अगर इस तरीके के लगातार वो ज़्यादा वर्क करता रहेगा तो एक दिन हार्ट जवाब दे देगा, यानी वो बिल्कुल से काम करना बंद कर देगा, बैठक ले लेगा। तो इस तरीके से अपने हार्ट को सही रखने के लिए अपने बीपी को सही रखें, और अपने बीपी को सही रखने के लिए अपना खान पान सुधारें, और अपने इससे आपका पेट सही रहेगा और आपका ब्लड सही रहेगा, ब्लड सही रहेगा तो हार्ट पे कम लोड रहेगा तो आपकी बीपी नॉर्मल फिर इस तरीके से चलती रहेगी। इसमें कुछ होम्योपैथिक दवा भी है जो कि बहुत ही इफेक्टिव काम करती है, जैसे कि एक पहले नंबर पे है एक बेलाडोना मेडिसिन,
बेलाडोना मेडिसिन 252 में कम से कम सुबह दो बार शाम तीन बार लिया जाए, थोड़े दिन तीन बार लिया जाए, उसके बाद फिर एक हफ्ते 15 दिन बाद दो बार कर दिया जाए। तो बेलाडोना के सिम्टम क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो बेलाडोना में अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो अगर इसके साथ में सिर दर्द उसको बना रह रहा है, यानी उसके सिर में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से वो सिर दर्द बना रह रहा है, और सिर दर्द उसका जो है जैसे लगता है टपक रहा है, टपकने की थ्रॉबिंग पेन होती है, तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम उसको बनी हुई है तो यहाँ पे बेलाडोना मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। और दूसरे नंबर पे एक होती है ग्लोनायन मेडिसिन। ग्लोनायन मेडिसिन में भी जो है हाई बीपी में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और इसमें भी सिर दर्द रहता है और थ्रॉबिंग पेन रहता है। तो ये दोनों मेडिसिन 252 में ले सकते हैं, और सुबह दोपहर शाम एक हफ्ता लेने के बाद फिर इसको दो बार कर दिया जाए, और दो बार करने के बाद फिर थोड़े दिन बाद अपने हिसाब से फिर एक बार करके फिर धीरे धीरे इसको दवा को बंद कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये दो दवा बहुत ही इफेक्टिव होती है। और इसमें एक पेटेंट मेडिसिन होती है SBL की, SBL ड्रॉप नंबर 4। ये पेटेंट मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है हाई बीपी के केस में, यानी बीपी जब ज़्यादा रहती है तो नॉर्मल करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। इस पेटेंट मेडिसिन को ड्रॉप होती है ये 15-15 बूंद कम से कम सुबह शाम लिया जाए, तो ये दवा अच्छा वर्क करती है। कुछ दिन ले लेने से और साथ में जो है मैनेजमेंट जो बताया गया है, यानी खान पान में जो परिवर्तन लाने से, खान पान में चेंज करने से धीरे धीरे बीपी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बीपी सही नॉर्मल लाने के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, और जिन लोगों का बीपी मान लो नॉर्मल ही रह रहा है, अभी हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अगर खान पान में इस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखें जो बताया गया है कि जंक फूड ना लिया जाए, मोस्टली फ्रूट लिया जाए, ताजे फल लिया जाए, यानी लिविंग फूड लिया जाए, और अनाज वाली चीज ही खाया जाए, बाहर की चीजें मत ली जाए, नमक में जैसे सेंधा नमक लिया जाए, और चीनी को हटा के चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके से करने से जो लोग अभी हाई बीपी की चपेट में नहीं है तो वो भविष्य में इन फ्यूचर उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। और साथ में अपने आप को स्ट्रेस से, यानी ज़्यादा तनाव अपने ऊपर ना लाने दें, तनाव मुक्त रहें, तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके।